25 नवंबर को होने वाले लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा चुनाव 2023 में शत प्रतिशत मतदान को लेकर स्वीप प्रकोष्ठ के द्वारा सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका बुधवार को कुंदन नगर में वोट वृक्ष कार्यक्रम में वर्षों पुराना वृक्ष पर संकल्प पाती बांधकर समापन हुआ, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर दक्षिण विधानसभा की निर्वाचन अधिकारी सवाक्षी खांडल ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित सप्तरंगी सप्ताह में विभिन्न गतिविधियां की गई। इसी कड़ी में आज कुंदन नगर में 120 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ पर संकल्प पाती बांधकर गया कि 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को सफल बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सतरंगी सप्ताह में हर दिन सुनिश्चित कलर कोड व स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर मतदान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं आमजन से मतदान करने की अपील भी की गई। जी मैम, रंगारंग सप्ताह का समापन किया गया है, किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और क्या रहेगा? हमारे यहाँ वर्षों पुराना जो पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उस पर संकल्प पांती बांधी गई है। 120 वर्ष पुराना पेड़ है ये। इसमें सभी ने संकल्प लिया है कि हम मतदान ज़रूर करेंगे 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक, जो मतदान की तिथि है और जो मतदान का समय है उस समय में हम मतदान करेंगे। और सभी ने संकल्प लिया है तो ये पूरा भी करेंगे। लोकतंत्र के उत्सव को हम सभी सेलिब्रेट करेंगे। मैम, किस तरीके से अपील कर रहे हैं? हम सभी से अपील कर रहे हैं, स्लोगन्स के माध्यम से अपील कर रहे हैं। ये जो सतरंगी सप्ताह मना गया है, हर दिन का एक कलर कोड रखा गया था, एक रंग रखा गया था, उन रंगों के हिसाब से स्लोगन्स रखे गए थे। और सभी मतदाताओं से, बच्चों से और उनके पेरेंट्स के लिए अपील की गई उन बच्चों से कि वो अपने पेरेंट्स को जाके जागरूक करेंगे और उस दिन मतदान करने अवश्य भेजेंगे। थैंक यू।